जीने वाले सोच ले, यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। समय इन टेक्स्ट मैसेजेस आप मुझे भेजिए iffat@asianradiolive.com पर। और अनाया अली, आपने मुझे टेक्स्ट मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया और बताने का बहुत शुक्रिया। और आपने ये लिखा है कि आप जो हैं वो वेबकैम पर आप मुझे नहीं देख पा रहे और मैसेज है कि ऑफलाइन है। बहुत शुक्रिया आपका ये मैसेज देने का, और मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे देख सकते होंगे। और अगर आप मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि वाकई जो हैं इस वक्त वेबकैम पर जो है ये मेरी पिक्चर
पिक्चर देखी जा रही है. प्रोग्राम जो है आप सुन सकते हैं ठीक तरह से, तो मुझे आपके टेक्स्ट मैसेजेस का और ईमेल का इंतज़ार रहेगा. ईमेल कीजिए और मुझे बताइए कि प्रोग्राम आप ठीक तरह से सुन पा रहे हैं iffat@asianradiolive.com पर. और माजरत चाहती हूँ अगर आप किसी वजह से, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से जो है आप मेरी तस्वीर जो है ये वेब कैम पर नहीं देख पाए, और अगर प्रोग्राम आप ठीक तरह से नहीं सुन सके तो इसके लिए माजरत चाहते हैं. गलतियां बहरहाल इंसानों से ही होती हैं, लेकिन ये तो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिसमें कभी कभी हमारा बस नहीं चलता. साथ आप निभाते रहिएगा. एक साहब जो हैं, प्रॉब्लम्स किस किस को नहीं होती. एक साहब जो हैं वो नफ्सियाती मौलज यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं और उन्हें अपनी परेशानी बताते हैं. अब परेशानियाँ आजकल वैसे देखा जाए तो किस को नहीं है. परेशानी अपनी इस तरह से बताते हैं कि ख्वाब में मैं ये देखता हूँ कि मेरी सास एक हैबतनाक चुड़ैल के साथ जो हैं ये मेरे मेरे कमरे में दाखिल होती हैं, और हर रोज़ मैं ये ऐसा ही ख्वाब देखता हूँ. और उनकी लाल लाल आँखें, उलझे बाल, लंबी नाक, लंबी ज़ुबान और बड़े बड़े नाखून. तो साइकियाट्रिस्ट जो है नफ्सियाती मौलज ने बात काटते हुए कहा कि उफ़ वाकई ये तो बड़ा खौफनाक ख्वाब है जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं. तो मरीज़ ने बड़ी नागवारी से कहा कि डॉक्टर साहब, अभी आपने मेरा पूरा ख्वाब सुना ही कहाँ है. चुड़ैल के बारे में तो अभी मैंने आपको बताया ही नहीं कि चुड़ैल जो है वो कौन है. तो बहरहाल आजकल वैसे ही हालात इंसान के जो हैं कुछ इतने अच्छे नहीं हैं. कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ स्ट्रेस इतनी चल रही है, कुछ टेंशन इतनी ज़्यादा है, ऊपर से ख्वाब भी अगर इसी तरह के आने शुरू हो जाएँ तो फिर इंसान रात को मैं समझती हूँ कि सोते हुए भी डरेगा कि कहीं ऐसे ख्वाब जो हैं उन्हें तंग ना करें. कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन नींद कहते हैं वैसे ही जो है ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप ठीक तरह से नींद पूरी नहीं कर पाएंगे तो अगले दिन आप काम कैसे करेंगे. तो इसलिए रात को प्रॉपर सोना भी बहुत ज़रूरी है. और उनकी बात भी ठीक है, ज़ाहिर अगर आपको ऐसे मसले हैं तो फिर ज़ाहिर है आप जो हैं एक्सपर्ट के पास ही जाते हैं, और जो प्रोफेशनल्स हैं वही आपका जो है इलाज कर सकते हैं. तो टेक्स्ट मैसेजेस का सिलसिला जारी रखिए सामने, और मुझे बताइए कि प्रोग्राम आप ठीक तरह से सुन पा रहे हैं. आप मुझे देख सकते हैं वेब कैम पर iffat@asianradiolive.com से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं रंग तरंग. प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज शहनाज बानो मेरी मेहमान होंगी. शहनाज जो सोशल सर्विसेज के साथ मुंसलिक हैं, इसके अलावा राइटर हैं और पोइट्री भी बहुत शौक से लिखती हैं और कहती सुनती हैं. तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारी और उनकी बड़ी प्यारी प्यारी बातें होंगी जो आप शेयर कर सकेंगे, सुन सकेंगे. साथ आप निभाते रहिएगा इफ़त हमीद के साथ रंग तरंग प्रोग्राम asianradiolive.com से आप सुन रहे हैं. किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ. मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ.
तेरी आंखों ने क्यों सजाए थे प्यार के सपने, तुझसे मांगी थी एक खुशी मैंने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, तूने गम भी नहीं दिए अपने, जिंदगी बोझ बन गई अब तो जीता हूँ और न मरता हूँ, मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ये नगमा आप सुन रहे थे रंग तिरंग प्रोग्राम से सामिन इफ़त हमीद के साथ। साथ निभाते रहिएगा, 9 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आज शेफील्ड की शहनाज बानो मेरी मेहमान होंगी, उनसे आज ज़िंदगी के हालात के बारे में बातचीत की जाएगी। आप मेरा साथ निभाते रहिएगा। अगर आप प्रोग्राम में कुछ मैसेजेस भेजना चाहें तो आप मुझे टेक्स्ट ईमेल कर सकते हैं iffat@asianradiolive.com पर। प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहे, कुछ कहना, कुछ सुनना चाहें तो जी ये नाया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लिखती हैं कि प्रोग्राम हम आपका सुन रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं और वेबकैम जो है अब वो काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बताने का। और आप ये भी लिखा है कि आप जो हैं वो लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं शहनाज बानो के साथ मेरी बातचीत को सुनने के लिए, तो बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते रहिएगा, साथ निभाते रहिएगा और अपने ईमेल्स का सिलसिला जारी रखिएगा। अगर आप मुझे टेलीफोन करना चाहते हैं 0114-321-6377 पर आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं। मेरे दिल में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है, मेरे दिल में धूम जिस लड़की ने मचा रखी है,
نام اس شوخ حسینہ کا اللہ رکھی ہے، میں اللہ رکھا ہوں وہ اللہ رکھی ہے، شاید اللہ نے وہ میرے لیے ہی بنا رکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ رکھی ہوئی چیز ہی کام آتی ہے، کہتے ہیں کہ رکھی ہوئی چیز ہی کام آتی ہے، اس لیے میں نے رکھی سے لگا رکھی ہے۔ اب حقیقت تو یہ بتانے کے لیے رکھی ہے، اب حقیقت تو یہ بتانے کے لیے رکھی ہے کہ رکھی نے راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے۔ یہ کیا تم نے رکھی رکھی لگا رکھی ہے، یہ کیا تم نے رکھی رکھی لگا رکھی ہے، کمبخت رکھی نے تو کسی اور سے لگا رکھی ہے۔ طنز و مزاح کا سلسلہ جو ہے یہ بھی جاری رہے گا اس رنگ ترنگ پروگرام میں، آپ میرا ساتھ نبھاتے رہیے گا اور مجھے بتائیے کہ پروگرام آپ جو ہے یہ سن رہے ہیں۔ معافی چاہتی ہوں کہ پروگرام کے پہلے حصے میں جو ہے آپ ٹھیک طرح سے پروگرام سن نہیں پائے، دیکھ نہیں پائے، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ تو لیجئے سامعین، یہ نغمہ اب آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اسے بھی آپ پسند کریں گے۔ قسم لی تونے قسم لی نہیں ہوں گے جدا ہم، میں نے قسم لی تونے قسم لی نہیں ہوں گے جدا ہم، میں نے قسم لی۔ تو ایک دوسرے سے قسمیں لینے کی بات چیت کر رہے تھے
और मुझे उम्मीद है कि अब तक का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा. साथ आप निभाते रहिएगा. आप मुझे ईमेल्स का सिलसिला जारी रखिएगा. iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे अपने ईमेल्स भेजिए. समय मेरा और आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक. आज प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यानी कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरी आज की मेहमान हैं शेफील्ड की शहनाज बानो. शहनाज से आज हम उनके ज़िंदगी के हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जो हैं उनके साथ होती रहेंगी रात 9 बजे तक. और इसी के साथ साथ उनकी पसंद का जो है हम म्यूज़िक भी सुनेंगे कि उनको किस किस्म का जो है उनको मौसीकी पसंद है वो भी आप सुन पाएंगे. एक शख्स अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी के खिलाफ दिल की भड़ास निकाल रहा था. क्या है कि कभी कभी सामने हिम्मत नहीं पड़ती तो किसी और के सामने जाकर इंसान वैसे कहते हैं कि अपने दिल की भड़ास निकाल ही लेनी चाहिए. तो इसी तरह वो अपने दिल की भड़ास दोस्त के सामने निकाल रहा था कि कभी कभी उसकी ऊट पटांग हरकतों और बातों की वजह से मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बीवी को उठाकर ऊपर वाली मंजिल से नीचे फेंक दूँ, मगर मुसीबत ये है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता. दोस्त ने पूछा, क्यों? यकीनन उसका वज़न ज़्यादा होगा. उसने कहा, नहीं भाई, उन साहब ने बड़ा चिढ़ कर कहा, सोचता हूँ कि अगर वो बच गई तो फिर मेरा क्या होगा. जी हाँ, दूर की अच्छा है कि आपने दूर की सोच ली है कि आपका क्या होगा. और वैसे भी इस किस्म के जो हैं ये ख्यालात को दिल में आने नहीं देना चाहिए. जहाँ तक भड़ास निकालने का ताल्लुक है वो ठीक है, लेकिन इतनी खौफनाक बातें भी नहीं सोचनी चाहिए. आपको पता है ज़िंदगी भर का साथ है दोनों का और इस दुख सुख में दोनों ही एक दूसरे के काम आते हैं. अब बात करते हैं कुछ काजल के हवाले से कि वो कहती हैं कि खातून होना जो है ये बेहद मुश्किल है. अदाकारा काजल मानती हैं कि मौजूदा दौर में ख्वातीन के मुकाबले में मर्दों के लिए ज़िंदगी जो है ये बहुत आसान है. उनके लिए अपने शोबे में कामयाबी हासिल करना बहुत आसान होता है मर्दों के लिए. काजल के मुताबिक मुल्क में ख्वातीन की हालत इंतहाई जो है ये तशवीशनाक है. और दिल्ली में किताब के रस्म इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए काजल ने ये बातें कहीं. दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, बाजीगर कुछ कुछ होता है जैसी सुपर हिट फिल्में देने वाली काजल मानती हैं कि ख्वातीन के लिए आज़ादी से जीना दोबर है और होता जा रहा है. इस सूरत हाल को दूर करने के लिए मर्दों की सोच को तब्दील करना भी बहुत ज़रूरी है. और काजल ने कहा कि एक औरत की ज़िंदगी जद्दोजहद से ताबीर है और जद्दोजहद से ओहदाबर होकर कामयाबी हासिल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है. बज़ाहिर मर्द हर अच्छा काम करने से पहले जो है वो देवियों की इबादत करते हैं, लेकिन फिर वही मर्द अपनी बेटियों और बीवियों के साथ बदसलूकी करते हैं, इन्हें मारते पीटते हैं. इसलिए ख्वातीन को बाख्तियार बनाने के लिए मर्दों की सोच को तब्दील करना बहुत ज़रूरी है. बड़ी अच्छी बात की है काजल ने कि वाकई वक्त के साथ साथ जो है इंसान को अपनी सोच बदलना जो है ये बहुत ज़रूरी है. ख़ास तौर पर कि ये अब तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब ये वो वक्त है कि जहाँ पर मर्द और ख्वातीन जो है ये दोनों बराबर हैं और इस्लाम ने भी इनको बराबरी के हकूक दिए हैं, तो फिर क्यों जो है ये ख्वातीन को अपने से कमतर समझा जाता है. बहरहाल साथ आप मेरा निभाते रहिएगा. रंग तिरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं इफ़त हमीद के साथ asianradiolive.com से. हर मंगल की शाम को सामिन आपकी खिदमत में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम पेश किया जाता है. ईमेल्स मुझे भेजते रहिए iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल्स भेजिए. और ये अगला ईमेल जो है इस वक्त मेरे सामने है और शेफील्ड से जो है ये फौजिया, आपने ईमेल भेजा है. ईमेल भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लिखते हैं कि मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ और प्रोग्राम को मैंने पसंद किया, लेकिन जैसे आपने कहा कि पहले शुरू में हम भी आपको नहीं देख पाए, जिसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ. और अब यकीनन आप मुझे देख पा रही हैं. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को सुनने का और पसंद करने का. और इसी तरह से आप मेरा साथ निभाते रहिएगा. तो लीजिए ये अगला नगमा जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, तू ही हकीकत, नगमा आपके लिए.
तू हम सफ़र, तू हम कदम, तू हम नवा मेरा। और सामिन, आप भी प्रोग्राम में इस वक्त मेरे हम सफ़र हैं, साथ निभा रहे हैं रंग तरंग प्रोग्राम एजियन रेडियो लाइव से। आप जो सुन रहे हैं इफ़त हमीद के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो अभी तक आपने मुझे टेक्स्ट मैसेजेस भेजे हैं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, अपनी राय आपने दी प्रोग्राम के बारे में, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के इस हिस्से में अब मेरी आज की मेहमान शहनाज बानो है, उनसे सामिन बातचीत की जाएगी, उनकी ज़िंदगी के हालात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बहुत अच्छी राइटर हैं और पोइट्री भी बहुत अच्छी जो हैं वो लिखती हैं, कहती हैं, सुनती भी हैं। और उन्हीं की आवाज़ में, उन्हीं की ज़ुबान से हम कुछ शेर व शायरी भी सुनेंगे और बहुत दिलचस्प अच्छी बातों के साथ साथ उनके पसंद की मौसीकी भी प्रोग्राम में पेश की जाएगी। रंग तरंग प्रोग्राम में आप मेरा साथ निभाते रहिएगा। अभी कुछ नहीं बदला, बहुत से साल गुजरे हैं, बहुत सा वक्त बीता है, मेरी चाहत नहीं बीती, मेरी हिम्मत नहीं गुजरी, अभी कुछ भी नहीं बदला, अभी कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। सामिन, साथ आप निभाते रहिएगा। अपना ईमेल्स का सिलसिला जारी रखिए, iffat@asianradiolive.com से आप मुझे अपने जो है ये मैसेजेस भेजिए, अपने ईमेल्स भेजिए। और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी आप यकीनन एंजॉय कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर मुझे दीजिए कि आप इस वक्त जो हैं शहनाज बानो के साथ जो मेरी बातचीत होने वाली है, आपको वो बातचीत कैसी लगती है। बस अब थोड़े ही वक्त में इंतज़ार जो है वो घड़ियां ख़त्म, और थोड़ी ही देर में इन शहनाज के साथ मेरी बातचीत जो है ये आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। ये नगमा सुनिए और उसके बाद मेरी मेहमान से बातचीत। जिस दिन से उतारी है तस्वीर तेरे दिल में, जिस दिन से उतारी है फिर तुझे संग लेके, नए नए रंग लेके सपनों की मैं
तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल, झुके जहाँ पलके तेरी खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। नजर मिलती होगी यू ही शमा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से, तस्वीर तेरी जिस दिन से हमने दिल में उतारी है, बहुत ही खूबसूरत नगमा था। सामईन, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये इस तरह के प्यार भरे नगमे जो हैं ये प्रोग्राम में अभी जारी रहेंगे। दूसरा हिस्सा जो है ये प्रोग्राम का, जैसे मैंने आपको बताया कि आज मेरी मेहमान हैं शेफील्ड की शहनाज बानो। सामईन, इससे पहले कि मैं शहनाज से आपका तारुफ़ करवाऊँ, आपको मैं बता दूँ कि इस वक्त आप रंग चरंग प्रोग्राम सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव डॉट कॉम से इफ़त हमीद के साथ। ये प्रोग्राम जो है ये आप हर मंगल को शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सुन सकते हैं। ये जो हम हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, ये जो हम हिजर में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सभा को कभी नामाए बर को देखते हैं, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और इस वक्त खुशामदीद वेलकम करते हैं शहनाज बानो आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इफ़त जी। जी आपको जी खुशामदीद रंग तरंग प्रोग्राम में। सामिन, शहनाज बानो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक शेफील्ड की जानी मानी जो हैं ये हस्ती हैं, एक बहुत ही प्यारी जो हैं ये एक राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, इसके अलावा सोशल सर्विसेज के साथ इनका ताल्लुक रहा है और ये पोइट्री भी बहुत अच्छी करती हैं। तो आज हम प्रोग्राम के इस हिस्से में इनसे बहुत सी अच्छी अच्छी बातें जो हैं ये करेंगे, कुछ इनकी ज़िंदगी के हालात को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शहनाज ये बताइए कि आप जो हैं इस कंट्री में आप कब आई?
इफ़त जी, मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से। मैं वहीं पैदा हुई और वहीं पली बड़ी और शादी होके यहाँ आई थी। अच्छा, शादी होके, यानी कि जिस तरह दूसरी बस बहुत सी ऐसी खवातीन है शादी के बाद, मेरा केस भी वही है। कभी वही है कि दाना पानी उसके बाद आपका यहाँ पर लिख दिया गया। अच्छा, रावलपिंडी से आपका ताल्लुक है तो शादी आप होके आए, तो क्या उस वक्त आप कुछ पढ़ रही थी जब आपकी शादी हुई, तालीम हासिल कर रही थी? हाँ जी, जब मैं उस वक्त पढ़ रही थी, मैं अभी BA में थी, तो मेरी शादी हो गई है तो मैं यहाँ आ गई थी। फिर उसके बाद जाकर मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। अच्छा, शादी के बाद आप फिर वापस गई और अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की? तो ये तो बड़ा आपका, वो कहते हैं ना कि एक जिस चीज़ को अचीव करना हो, ठीक है, वो आपने किया, आपकी कमिटमेंट्स थी, आपने सोचा था कि मैंने पढ़ाई मुकम्मल की। लेकिन कहते हैं कि ताली जो है वो शहनाज हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो जो आपने ज़ाहिर आप वापस गई तो यकीनन आपके शौहर का भी इसमें बड़ा हाथ होगा, जो उन्होंने आपको वापस जाने दिया कि जाएँ शहनाज अपनी तालीम मुकम्मल करें। जी हाँ, इस सिलसिले में ये बात है कि मेरी शादी इस शर्त पे मैंने शादी की थी। अच्छा, कि मुझे ग्रेजुएशन मेरी मुकम्मल करने दी जाएगी। जी, तो बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, और कहते हैं कि तालीम ऐसा जेवर है कि इससे अच्छा जेवर तो कोई और हो ही नहीं सकता, जो आपको आपके वालिदैन ने आपको दिया है। और इसमें मैं समझती हूँ ससुराल वालों का भी, इसमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने आपको ये मौका दिया कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करें। अच्छा, ये बताइए कि अपने यहाँ आने से पहले क्या ख्वाब थे? हर लड़की ख्वाब सोचती तो है। बहुत थे, यानी कि मैं उस वक्त भी रेडियो पाकिस्तान के लिए लिखा करती थी। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट थी तो वहाँ लिखा करती थी। अच्छा, और यूथ लीग एक लीग है जो नौजवानों की थी, स्टूडेंट्स की थी, उसकी मैं बहुत एक्टिव मेंबर भी थी। अच्छा, यानी मेरे और डिबेट्स वगैरह में भी हिस्सा लेती होती थी, यानी काफी मेरी एक्टिव सी लाइफ थी वहाँ पर। तो बस ये कैजुअलिटी थी, मैं फिर अरेंज मैरिज की। अच्छा, मेरी एक कोई भूला बसरा मेरा कजन जो है ना, अच्छा अच्छा, यहाँ से गया है। अच्छा, तो मेरी शादी होगी, शादी होगी, हथकड़ियाँ डाल गई है ना, खूबसूरत हथकड़ी इसको कहते हैं। जी अच्छा, तो जब आप यहाँ पर चले आ गई, आप ठीक है, जैसा भी है वो किस्मत की बातें हैं, हम सब की किस्मत यहाँ लिखी थी जो वहाँ से आ गए हम लोग। तो जब आप भी यहाँ पर आई हैं तो जिस तरह आपने जहन में सोचा था इस कंट्री के बारे में, उसी तरह ही आपने इसको पाया कि क्या लगा आपको, क्या आपकी फीलिंग्स थी जब आप यहाँ पर आई? जब मैं यहाँ आई, मैंने तो सोचा था कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मुझे इंग्लिश वगैरह यानी काफ़ी कॉन्फिडेंस है, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन जब यहाँ आई तो मैंने कहा सारी उम्र वहाँ MAN मैन पढ़ते आए हैं, तो यहाँ मान और थैंक यू को ता, अच्छा वो बिल्कुल तो समझ नहीं आता समझ था कुछ भी। यॉर्कशायर जो है वो उसमें एक्सेंट हाँ है जो हमने उसमें, जी बिल्कुल हमने जो पढ़ी है वो मेरा ख्याल है क्वींस लैंग्वेज, क्वींस इंग्लिश हम पढ़ के आए थे, तो यहाँ पे यॉर्कशायर का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, यहाँ कुछ समझ मुझे नहीं आता था, तो मैं बहुत परेशान हुई थी। अच्छा चले, वो इसके लिए तो फिर काफी जाहिर है कि जब कम्युनिकेशन ना हो तो इंसान परेशान तो होता है। फिर किस तरह से आपने इस पर काबू पाया? मैंने बस ऐसा किया कि जल्दी से जाके मेरे घर के पास ही कोई एक फर्म थी, कटलरी फर्म, उसमें जॉब शुरू कर दिया। अच्छा, तो वहाँ फिर मैं जो है ना खूब वहाँ जो कलीग्स थे उनके साथ जैसे भी है जैसे तैसे भी इस तरह करके मेरी इंग्लिश जो है ना वो तकरीबन 3-4 महीने में आपकी आपने इंप्रूव कर ली। आपने जो भी यहाँ पर जिस तरह भी बोलते थे आपने, स्लैंग लैंग्वेज तो हर जगह पर बोली जाती है लेकिन वाकई पाकिस्तान से जब आए तो पता तो नहीं। अच्छा चलिए, ये तो आपकी बड़ी माशाल्लाह हिम्मत थी कि आपने वो सारी चीज़ें जो हैं वो जो भी आपके रास्ते में जो भी रुकावटें आई आपने उनको दूर किया। तो अच्छा, जब ये आए तो ज़िंदगी के साथी के बारे में कुछ बताइए ना आप, ज़ाहिर है जब आप आई तो यहाँ पर उनको आपने कैसा पाया? देखें जी, मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंज थे वो, ही वाज जस्ट स्ट्रेंजर। अच्छा, तो लेकिन ये है कि हमारी शुरू में मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अच्छा, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, हमारी यानी कि एक किस्म की दोस्ती हो गई थी हमारी। अच्छा, सही है, मोर देन भाई हम हस्बैंड वाइफ, वो वाला रिश्ता थोड़ा सा इतना नहीं था, हमारा फ्रेंडशिप में ज्यादा चला है जी, जो कि आज तक मेरा ख्याल है। अच्छा, तो ये जो सिलसिला जो है ये दोस्ती का, मैं समझती हूँ कि दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा है कि इस रिश्ते से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, कि इस रिश्ते में आप दोस्ती में आप सब कुछ कर सकते हैं, जबकि कभी कभी जो मियां बीवी का रिश्ता है इसमें बहुत सी रुकावटें भी आ जाती हैं, लेकिन दोस्त बनकर आप बहुत सी दिल की बातें भी कह देते हैं। अच्छा, तो आपने अच्छा यहाँ पर फिर आए तो जाहिर है
رشتے دار سب وہیں پہ پاکستان میں, تو پھر کس طرح یہاں پر دن گزرتے تھے؟ بس پھر کام شروع کر دیا. اچھا, کام شروع کر, جلدی کام شروع کر دیا. ہاں جی ہاں جی, آتے ہی کام شروع کر دیا. میرا خیال ہے ود ان ٹو ویکس میں نے کام شروع کر دیا. اچھا, ہاں جی. اب تو بڑی خوش قسمت رہی ہیں کہ آپ نے ایک دم سے کام شروع کر دیا, ورنہ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے آ کے تو بڑا ٹائم لگتا ہے اپنے آپ کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنے میں, سنبھالنے میں. اچھا, تو کام آپ نے شروع کیا, پھر کام کیسا لگا آپ کو؟ کام تو ظاہر ہے وہ تو 9 to 5 یہاں پہ مجھے مشکل ہی لگا کام تو, لیکن یہ ہے کہ میں نے کچھ عرصہ کام کیا, اس کے بعد مجھے ظاہر ہے میں نے کہا میں تو آگے مجھے کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے. اچھا, تو پھر میں کالج چلی گئی. اچھا اچھا, یہاں پر بھی آ کے پھر آپ نے وہ سلسلہ جاری رکھا, کالج چلی گئی. ہاں جی, میں سٹینگٹن کالج, وہاں پہ میں نے 1 سال کا کورس کیا, اس کے بعد پھر میں نے جاب شروع کر دیا. اچھا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, پھر ای ایس ایل کلاسز میں لینے لگ گئی, انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج, اور پھر اسکولس وغیرہ کے لیے میں نے بہت کام کیا. اچھا, ہاں جی. چلے, پھر تو آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ چل چل پڑی. اچھا, کام آپ نے سوچا, تو پھر اب یہ اب بتائیے کہ جب کام اور پھر بچوں کے ساتھ, اس طرف بھی اب آتے ہیں کہ جب آپ فیملی کی طرف آپ آئیں تو اس بچوں کے ساتھ پھر آپ نے یہ سارا کچھ جو ہے یہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا؟ بات کرتے ہیں, اچھا یہ آپ کی موسیقی کی ذرا بات کرتے, تو پہلا ہم نغمہ سنتے ہیں شہناز. جی ہاں, آپ ہی کی پسند کا ہے, پہلے اس کو سنتے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ گانا آپ کو کیوں پسند ہے. تو لیجیے سامعین, شہناز بانو کی پسند کا یہ پہلا نغمہ آپ سنیے جو ان کو بہت پسند ہے. وہ میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں, واہ کیا نغمہ ہے, وجہ بعد میں پوچھیں گے. میرے سامنے تصویر بنے بیٹھے ہیں, بہت ہی زبردست جو ہے یہ نغمہ آپ نے چنا ہے شہناز, کیا وجہ, یہ نغمہ آپ کو کیوں پسند؟ معلوم نہیں, میرا خیال ہے بچپن سے کافی یہ مجھے پسند ہے, جس میں بھی کوئی گانے میں تصویر کا ذکر ہوتا ہے
मुझे वो गाने बजाने क्यों अच्छे लगते हैं। अच्छा अच्छा, ये तो गजल है, ये मेरी पसंदीदा गजल है, मैं अक्सर सुनती रहती हूँ। अच्छा, आजकल तो यूट्यूब पे सुन लेती हूँ। अच्छा, फिरदौसी बेगम की आवाज में ये जो है, ये बहुत ही प्यारी गजल जो थी आपकी खिदमत में हमने पेश की। सामाइन, रंग तरंग प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त आप इफ्फत हमीद के साथ asianradiolive.com से। मेरी आज की जो मेहमान हैं वो आप हैं शहनाज बानो, शेफील्ड से। शहनाज, अच्छा ये अब आपने थोड़ा बाप की तरफ आते हैं कि आपने जो आते ही यहाँ पर काम शुरू कर दिया, आप बड़ी खुशकिस्मत रही हैं। अच्छा ये बताइए, तो फिर जब आपके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं जी। तो जब आपके बच्चों के साथ, फिर जब आपका वो भी जब स्टेज आई, जब आपके बच्चे थे छोटे होंगे, बच्चों के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, तो ज़रा उधर वो भी बताइए कि फिर वो स्टेज आपने कैसे जो है वो आपने पार किया। ये भी एक लंबी दास्तान है। अच्छा, हाँ जी, ज़रा उसको मुख्तसर करके बताइए ज़रा जी। इसमें ऐसा है कि पहले जो मेरा बेटा है, उस एक बच्चे के साथ तो मैं उसको लिए लिए भी काम करती रही। अच्छा जी। अच्छा अच्छा। और मैं फुल टाइम मैंने जॉब नहीं किया, पार्ट टाइम जॉब करती रही। अच्छा, बच्चों की वजह से। ठीक, क्योंकि उनको भी साथ साथ, जाहिर है हाँ बिल्कुल है, फैमिली भी फैमिली साथ साथ होनी चाहिए, तो बच्चों को भी माँ का टाइम मिलना चाहिए। तो यही मैं सोच रही थी कि बड़ा मुश्किल है, और आपने कैसे कोप किया वो, तो अब आप साथ ले जाती थी उसको, तो आपने को बेबी माइंडर वगैरह जो है, ये चाइल्ड माइंडर उसको वहाँ पर क्रैश होता था। अच्छा, जो वहाँ पर जो जी। अच्छा, तो वहाँ उसको बच्चे को छोड़ती थी। लेकिन ये भी एक बहुत काम था कि बच्चे को तैयार करना, सुबह सुबह साथ लेके जाना और खुद भी टाइम पर पहुँचना, ये तो बड़ा, यानी कि अब तो वक्त गुजर गया, अब सोचती हूँ कैसे कर लिया, लेकिन बहरहाल कर लिया। पहले एक बच्चे के साथ तो ऐसे ही करती ऐसे करती, फिर बाकी जब 2 बच्चे थे तो फिर आपने तब भी पार्ट टाइम ही थी? जी, मैं पार्ट टाइम जॉब करती। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में, जैसा कि आपने कहा कि आप रेडियो पाकिस्तान के साथ जो थी, आप वहाँ उनके लिए लिखती थी, तो फिर ये जो लिखने लिखाने का शौक है, तो ये फिर कहाँ चला गया उस दौरान, जब आप काम करती थी, बच्चे थे आपके, तो छोड़ दिया लिखना? थोड़ा अरसा मैं नहीं रही इसके साथ, यानी अच्छा। सारी चीजें फिर नहीं कर सकी ना पूरा सब कुछ। लिखती थी थोड़ा बहुत। अच्छा। लिखती थी तो मैंने इस सिलसिले में तकरीबन 2 बुक्स तो लिख मारी हैं। 2 बुक्स लिख ली हैं आपने? अच्छा, तो वो पब्लिश हुई हैं आपकी किताबें? अभी बस 2014 में इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह वो पब्लिश हो जाएंगी। पब्लिश हो जाएंगी। अच्छा, 2 आपने वो रेडी हैं आपकी पब्लिश? अच्छा, एक तो लोकल न्यूज़पेपर में आ रही है वो एपिसोड्स उसकी। क्या नाम है उसका, किस तरह, किस नाम से? वतन की बेटी है। अच्छा, वतन की बेटी के नाम से ऑटोबायोग्राफी है वो। अच्छा, तो वो मैंने लिख ली है, तो वो पब्लिश हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा एक सोशल नॉवेल है, तो वो भी, यानी कि औरतों के बारे में, ज्यादातर इशू जो है ना। अच्छा, औरतों के बारे औरतों में तो क्यों आपने तो, इस मौजू पर क्यों आपने लिखना पसंद किया? मैंने कहा मैं खुद भी तो औरत हूँ ना, औरतों अच्छा। को जितने मसले मसाइल हैं उनको, और जो कुछ अपने तजर्बात, यानी कि जो जो कुछ गुजरा है जिंदगी का, वो मैंने उसमें डाल दिया। अच्छा, अपनी ही जिंदगी के कुछ ऐसे वाकयात, आपकी कहानी, जिंदगी तजर्बात आपने उसमें डाले हैं, तो बड़ी दिलचस्प है। यकीनन सब जो है इंतजार में होंगे, और हम भी इंतजार में कि आपकी वो बुक आए और हम भी उसको पढ़ें, कि वतन की बेटी के नाम से, और दूसरा जो है कुछ सोशल जो है आपने बातें उस बुक में लिखी हैं। तो अच्छा, ये किस वक्त लिखती हैं आप बैठ के? ये मैं रात को लिखती हूँ। अच्छा, सोती नहीं? नींद नहीं आती आपको? 1-2 घंटे जो है ना वो मेरे वक्फ है, वो जाहिर है सरहाने किताब होती है, और पेन और पेपर, पेन और पेपर रिश्ता। तो आपके शोहर को इस चीज पर एतराज नहीं कि क्या रात सोने के लिए होती है और आप बैठ के लिखती रहती हैं? कभी कभी हो जाता है, हो जाता ना, ऐसा होता रहता है कभी कभी। अच्छा अच्छा, लेकिन वही है बस, फिर शौक मेरे शौक का तो कोई मोल ही नहीं है, इंतहा नहीं है शौक। अच्छा, तो जिंदगी में अब तक जो है, ये गाड़ी जो है ना, 2 पहिए तो साथ साथ चलते हैं, लेकिन ये 2 पहिए आपस में किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं? बहुत ज्यादा साथ देना पड़ता है एक दूसरे का। अच्छा, अगर साथ ना दें तो गाड़ी नहीं चलती, आपको पता ही है। हाँ, ये तो है बिल्कुल। थोड़ा सा भी मेरा ख्याल है टेढ़ा हो भैया, तो वो गाड़ी जो है ना, डगमगा जाती है। तो, हाँ, ये तो है, उसको फिर रखना पड़ता है। अच्छा, तो हमारी भी बस चल ही रही है, और अल्लाह करे इसी तरह माशाल्लाह चलती रहे आपकी गाड़ी। इसमें यही होता है, क्योंकि बस बात कहते हैं कि हर औरत की कामयाबी, मर्द की कामयाबी के पीछे तो औरत है, ठीक है, तो औरत की कामयाबी के पीछे कौन हो सकता है? उसके
सभी हैं यानी सभी पूरी फैमिली। अच्छा, जब जब घर में है उसके बच्चे भी। हाँ, हाँ जी, उसके उसके पेरेंट्स भी पहले पहले जब अपने माँ बाप के घर में तो माँ बाप हैं। हाँ जी, हाँ जी, फिर जब शादी हो जाती है तो फिर शोहर है, फिर बच्चे हैं, और उनके बगैर तो आपको पता है कि बड़ा मुश्किल है उनकी कामयाबी के लिए। अच्छा, बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं कि आपकी एक राइटर है माँ? मेरा ख्याल है मुझे लेडी गेट क्रशर कहते हैं। अच्छा मेरा ख्याल है। अच्छा मैं चुपके चुपके सुनती रहती। अच्छा, हूँ आप ये कुछ नाम उन्होंने नाम उन्होंने रखे हुए। अच्छा जी, तो वो कि क्या महसूस करते हैं आपके ये जो सारे, ये एक किस्म की हॉबी है ना ये आपकी? ठीक है, फिलहाल जो जो आप लिखती हैं आप करती हैं, तो बच्चे खुश हैं इससे? जी हाँ, ठीक है। क्यों नहीं, proud of you? थोड़ा सा समझ आता है उनको ये क्या पोइट्री, और थोड़ी नहीं भी आती। अच्छा, तो लेकिन ये है कि ठीक है, खुश है। अच्छा अच्छा, फारिग वक्त बस जब होता है तो यही करती, और क्या करती दिन में जब आपके पास फ्री टाइम हो तो क्या आप करना पसंद करती? पहले 5 घंटे तो काम के हैं, फिर उसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कुकिंग किचन खुद ही देखना पड़ता है। ठीक है, तो कुकिंग भी, कुकिंग के भी शौकीन भी हूँ वैसे, तो इसलिए कुकिंग भी होती है रोजाना। घर के काम काज सारे वो जो होते हैं शोर्स वो तो करने पड़ते हैं सारे, बिल्कुल वो तो खुद ही सारे करना, सब कुछ खुद ही निभाना पड़ता है। अच्छा, तो ये सारे सिलसिले। अच्छा, खुद हाँ, सब करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप जब यहाँ पर आई तो आपको खाना वाना पकाना आता था? जी। अच्छा जी, वो तो अम्मी ने सिखा दिया था, मेरे फादर ने भी सिखाया मुझे। अच्छा जी, ठीक है। तो वो इसमें होता है ना कि अक्सर जब बहुत से ऐसे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे भी कुछ बनाना नहीं आता, कभी सोचा नहीं था ना कि इतनी दूर जो है वो चले जाएंगे, तो वहीं का सोचते थे कि पाकिस्तान में हैं कि नौकर चाकर हैं, रखे हैं, हो जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन कभी कभी ये इंसान नहीं सोचता कि जो है ना वो जिंदगी आपका क्या इम्तिहान लेने वाली है। सही है, इतने एक्सपर्ट तो नहीं थे, लेकिन बेसिक कुकिंग थोड़ी सी आती थी। अच्छा, लेकिन वक्त के साथ वो कहते हैं ना, वक्त जो है ना आपका बेहतरीन उस्ताद है, टीचर, वो आपको सिखा देता है। अच्छा, तो इसलिए वो सब कुछ सीख लिया है। अच्छा, तो अभी तक आप जिंदगी में सबसे ज्यादा किससे इंस्पायर हुई? इंस्पायर मेरा ख्याल है मुझे डॉक्टर अलामा इकबाल की शख्सियत बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, वो क्यों? जी, अच्छा, बस वो उनकी poetry, हाँ जी, वो अपने उनके ख्यालात जी, अच्छा, उनके जो है ना वो मुझे बहुत मैं उनसे इंस्पायर। ठीक है। अच्छा, आप पोइट्री से, जिस तरह यहीं पे बातें हैं क्योंकि आप जाहिर है उनसे इंस्पायर हैं, और आप पोइट्री से आपने कहा कि आपको बहुत लगाव है, तो खुद आप लिखती हैं या सिर्फ पढ़ने की हद तक आपको लगाव नहीं, है? मैं लिखती हूं। आप लिखती भी हैं, तो आप ही की आवाज़ में हम कुछ सुनेंगे शायर, लेकिन उससे पहले एक और नगमा आप ही की पसंद का, जो आपने में बताया। सामिन सुनते हैं रंग तरंग प्रोग्राम में, मेरी आज की मेहमान शफील की शहनाज बानो है, और अब ये उन्हीं की पसंद का दूसरा नगमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं।
ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا, بہت ہی خوبصورت نغمہ تھا ملکہ ترنم نور جھا کی آواز میں, اور شہناز آپ کی پسند کا یہ نغمہ جو ہے ہم نے سنا. اس کی بھی کوئی وجہ تھی کہ اس میں تو اب کوئی تصویر کا ذکر نہیں تھا شاید, اس میں کوئی معلوم نہیں, بہرحال اچھا ہے, شاعری آپ کو پسند ہوگی کہ نہیں, اس کی بہت اچھی ہے بڑی, اگر آپ گہرائی میں جا کے سنیں تو بہت اس میں میسج ہے اس میں جو آپ نے پسند کیا. سامعین اس وقت شہناز بانو میری مہمان ہے, آپ پروگرام سن رہے رنگ ترنگ عفت حمید کے ساتھ ایجن ریڈیو لائف ڈاٹ کام سے. اگر آپ ای میل بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل مجھے بھیجیے, اگر آپ شہناز کو دیکھ رہے ہیں ان کی بات چیت آپ سن رہے ہیں تو اپنی رائے دیجیے عفت ایٹ ایجن ریڈیو لائف ڈاٹ کام پر آپ مجھے اپنے ای میلز بھیجیے اور بات چیت ہم جاری رکھتے ہیں. جی اچھا, بات چیت اب ہو رہی ہے کیونکہ آپ اقبال سے, آپ جو ہیں علامہ اقبال سے بہت انسپائر تھیں, اور یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ خود بھی شاعری جو ہیں وہ لکھتی ہیں, تو کس زبان میں, مطلب کہ ظاہر ہے اوبویسلی اردو ہے, پنجابی ہے, انگلش ہے, کس زبان میں آپ زیادہ پوئٹری لکھتی ہیں یا کرتی ہیں آپ؟ عفت جی بات یہ ہے نا کہ ہماری میری اپنی زبان تو اردو ہے, اور جب انگلینڈ میں آئے ہیں تو ہم انگلش بھی بولتے ہیں, انگلش میں بات چیت کرنی پڑتی ہے ہمیں, جاب پر ہیں تب بھی آپ انگلش میں بول, زیادہ تر بول چال انگلش میں ہے, جب آپ باہر ہیں تو آپ انگلش بولتے ہیں. تو وہ میری کچھ ایسا اندر جو ہے نا ایک مکسچر سا بن گیا ہے, تو میں دونوں زبانوں میں لکھتی ہوں. اچھا, تو اس کا ایک ذرا تھوڑا سا ایگزامپل ذرا پیش کیجیے, نمونہ ذرا بتائیے آپ جی کہ جو آپ لکھتی ہیں. سامعین اس وقت شہناز بانو میرے ساتھ ہیں, رائٹر ہیں, رائٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہیں یہ پوئٹری بھی بہت اچھا لکھتی ہیں, اور اسی کی ایک جو ہے یہ ایگزامپل ہمیں دینے والی ہیں. جی جی, میں پہلے انگلش میں جو تھوڑا سا میں نے لکھا ہے جی جی وہ اس کی صورت میں ہے, پوئم کی صورت میں. بکس آر دا ونڈوز تھرو وچ دا سول لکس آؤٹ, ورڈز آر دا ڈورز تھرو وچ دا اسپرٹ رومز اباؤٹ, بٹ دا ہولی قرآن از دا کمپلیٹ وے through which the God looks out. ماشاءاللہ یہ میری بہت خوب, یہ تو بڑی ہے کہ آپ نے ایک چھوٹا سا نمونہ پیش کیا آپ نے اپنی پوئٹری کا. کچھ اردو کا بھی ذرا کچھ ہے آپ کے, کچھ ذرا اردو کے بھی کچھ اشعار جو ہے وہ ہمارے سامعین کی خدمت میں آپ ذرا پیش کریں. جی آج کل جو مہنگائی بہت زیادہ, مہنگائی نے تو کمر توڑ کے رکھی ہوئی ہے لوگوں کی. بالکل, آج بھی جب شاپنگ کر رہے تھے تو وہ جو بل جو ہے نا وہ ڈبل ہو چکا ہے. ہاں جی, تو میں نے کہا ویسے ہی تھوڑا سا اس پر میرا ایک فلبدی سا شعر آج ہو گیا تھا جی, پیاس ٹماٹر دیکھ کر بہت سارے ہم تیری گلی میں آ نکلے. واہ, پیاس ٹماٹر دیکھ کے بہت سارے ہم تیری گلی میں آ نکلے. یہ میں نے ایک فلمی شعر بس کہہ دیا تھا جی. اور کچھ شعر ہی سنا دیتے ہیں. ہاں جی جی بالکل, آپ پیش کیجیے. جی, ملن کا ہر موسم حسین ہوا کرتا ہے جاننا. واہ, ملن کا ہر موسم حسین ہوا کرتا ہے جاننا. واہ واہ, تم دن سال اور نہ کوئی مہینہ دیکھو. تم دل دن سال اور نہ کوئی مہینہ دیکھو. واہ بہت خوب, یہ جو ہے نا یہ جی, زندگی کا حاصل ہیں دو گھڑیاں وصل کی, زندگی کا حاصل ہیں دو گھڑیاں وصل کی, باقی ہجر سے تو جڑا رشتہ ہمارا ہے. باقی ہجر سے جڑا رشتہ تو ہمارا ہے. واہ بہت خوب, میرے چند بہت خوب ہے, بڑا اچھا جو ہے یہ. آپ وہی نا, یہ کب سے شوق تھا آپ کو یہ پوئٹری کا؟ بچپن سے شوق ہے لکھنے. اچھا, گھر والے جو ہے نا وہ پوئٹری لکھنے نہیں دیتے. نہیں دیتے تھے. اچھا اچھا, یعنی میں نے یہ لیٹ شروع کیا ہے. اچھا, سب لیکن شوق پہلے سے تھا لیکن لکھ نہیں پائی. لکھ نہیں پائی آپ اپنا. اچھا, تو ابھی میں نے اتنا لکھ لیا ہے, ابھی پوئٹری کی بھی انشاءاللہ ایک بک بن جائے گی. ضرور آپ کو, میں سمجھتی ہوں کتنی آپ میں جو ہے یہ آپ میں صلاحیت ہے اس کام کو آگے لے جانے کی, تو کیوں نہیں اب تو ماشاءاللہ. اچھا, بچے آپ کے کیا کرتے ہیں؟ میرے بچے اب ماشاءاللہ سب بڑے ہو گئے ہیں. تو جی, تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ والی اسٹیج تو گزر گئی ہے نا کہ اب بچوں کو فل ٹائم اسکول سے لانا لے جانا, تو اب اگر آپ ٹائم دے سکتی ہیں تو کیوں نہیں. میں سمجھتی ہوں آپ کے اس شوق کو جو ہے تھوڑا سا آگے لے جانا چاہیے, اور اس کو بھی ایک کتاب کی شکل دیں اگر آپ کو اتنا لکھنے کا شوق ہے. اور بڑا اچھا جو ہے آپ نے اس میں لکھا ہے آپ نے, تو اچھا کبھی آپ نے شوہر کو بھی یہ پڑھ کے سنائی؟ کبھی کبھی سنتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کیا کہتی رہتی ہوں. اچھا
ये उनके लिए इजाफी है काफी सी घर की जो बातें हो जाती हैं आपको पता ही है ना, वो कहते हैं औरतें बहुत बोलती हैं तो ये मेरा एक इजाफी हो जाता है उनके लिए कि ये शायरी भी सुननी है। बिल्कुल ये तो है जी, ये है कि ठीक है कोऑपरेटिव है मेरे साथ। शायरी से बात आई ना कि वो एक शायर थे ना, तो वो कह रहे थे कि मेरी शायरी ने तो वो है ना कि लोगों के दिलों में आग लगा दी है। अच्छा। तो बीवी कहते पहले घर के चूल्हे में तो आग लगा के दिखाओ फिर दिलों में आग लगाना, घर के चूल्हे में तो आग लगा नहीं सकते, लेकिन बहरहाल यस ये तो है कि शायरी ऐसी होती है कि दिल को छू लेती है। तो आप जो हैं, आपको इकबाल के जो हैं वो शार बहुत ज़्यादा पसंद है, और उर्मी का एक शेर है इकबाल ही का है कि परिंदे हवाओं से वफा करते हैं ज़मीन से नहीं इकबाल, परिंदे हवाओं से वफा करते हैं ज़मीन से नहीं इकबाल, अगर परिंदों से वफा चाहिए तो आसमां में उड़ना सीख। बहुत अच्छे इलामा इकबाल की शायरी तो देखें जी, वो तो अपने एक स्टैंडर्ड की शायरी है, और मैं समझती हूँ कि उन जैसे शायर तो जो है ना, अब बहुत से शायर हैं बड़े बड़े अच्छे शेर लिखे हैं, लेकिन इकबाल का जो है वो अपना एक मुझे जी मुझे उनकी एक गजल बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल इरशाद, दो तीन उसके शेर पढ़ती हूं। पूरी गजल सुनाइए आप जी। परेशान हो के मेरी खाक आखिर दिल ना बन जाए, जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल ना बन जाए, कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, कभी छोड़ी हुई मंजिल भी याद आती है राही को, खटक सी है जो सीने में गमे मंजिल ना बन जाए। वाह। अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं, अरूजे आदम खाकी से अंजुम सहे जाते हैं सहमे जाते हैं सॉरी कि ये टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए। वाह, ये बहुत टूटा हुआ तारा माह कामिल न बन जाए, बहुत ही प्यारे अपने अंदाज में आपने पढ़ा, और यकीनन अशार तो बहुत ही अच्छे थे, और इसमें जो अगर आप किसके मीनिंग्स में जाएं, डेप्थ में जाएं, तो आपको पता चलता है कि ये क्या शायरी थी। साथ आप सामने निभाते रहिएगा, आप ईमेल्स अपना सिलसिला जारी रखिए iffat@asianradiolive.com पर। अगर आप सुन रहे हैं शहनाज की बातचीत, आप मेरे साथ सुन रहे हैं, आपका क्या ख्याल है और कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहें, तो आप ज़रूर मुझे टेक्स्ट ईमेल भेजिए iffat@asianradiolive.com पर आप मुझे ईमेल भेजिए। साथ मेरा और आपका रहेगा रात 9 बजे तक, और अब शहनाज ही की पसंद का एक और नगमा सामाई आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे ना
से नाराज नहीं है जिंदगी हैरान हूँ मैं. अगेन बहुत ही प्यारा नगमा था शहनाज आपकी. वैसे पसंद जो है ये मैं देखती हूँ कि जिस तरह से आपने ये नगमे जो आपने पसंद किए हैं ख़ास पसंद है आपकी, और जो इनमें जो शायरी है ये अपनी ही एक तरह की शायरी है इसमें. तो इस आपको कोई ख़ास वजह है कि आपको इस किस्म की पोइट्री या शायरी पसंद है? वो जो कहते हैं ना पोइट्रेस, यानी कि मैं पोइट्रेस हूँ, तो वो जो थोड़ा सा हसास होते हैं ना उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ जो है ना नज़र आता है. अच्छा, तो ये मेरा ख्याल है कि ये सारी ही जो बहुत ही लविंग किस्म की ये पोइट्री है सारी, इस इन सब नगमों में आपने देखा होगा सारे जो है ना बहुत ही अच्छा रोमांस से भरपूर है. भरपूर है. अच्छा, तो ये बताइए कि वैसे आमतौर पर जो लोग लिखते लिखाते हैं कहते हैं कि बड़े ये ड्राई बड़े खुश किस्म के लोग होते हैं, तो क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है. ये कोई पहला शायद पिछला जमाना था शायद. अच्छा, मे बी. उसमें हम जब देखते हैं पोइट्स हमारे किस तरह के साल में वो होते थे, तो जो है ना यानी कि मुझे तो मेरा अपना जहाँ तक है मुझे कोई जहन में जाहिर है मेरे आमद होती है मुझे जो है ना एकदम से होता है, तो मैंने पेन एंड पेपर पास रखा हुआ अपने. अच्छा, जब मैं बैठी हूँ ना तो मैंने पास रखा होता है अपने. अच्छा, तो मैं फौरन जो है ना लिख लेती हूँ. बस ये है. अगर आप ऐसा हो कभी आप रास्ते में जा रही हो, ठीक है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैदल ही चल रही है, आमद हो गई जी, तो फिर याद रखती हूँ बस. वो फिर वो याद रखती हूँ. हाँ, याद रखती हूँ उसको. अच्छा, याद कर लेती हूँ अपने जहन में, तो फिर घर आके उतार लेती हूँ. आप उसको फिर आप उसको नोट कर लेती हैं जी. अच्छा, ऐसा तो ख्वाब में भी ऐसे कभी हुआ है कि सोए सोए भी कभी कुछ आमंद हो गई हो? ख्वाब तो पता नहीं कहाँ चले गए, बिखर गए. अच्छा, कहते हैं जब आप किसी दूसरे के ख्वाबों में हो तो अच्छा आपको नींद नहीं आती. आपको नींद नहीं आती. अच्छा, तो इसका मतलब आप ख्वाब अगर हम देखते तो हमें नींद इतनी, यानी कि नींद से मतलब आप ख्वाबों में चली गई, आप दूसरे के ख्वाबों में चली गई. चले ठीक है, सही है. अच्छा ये है कि अच्छा ये बताए कि जिंदगी में बहुत से वाकयात होते हैं शहनाज, ऐसे तो आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा वाकया जो कभी आप समझती हैं कि आप उसको भूल नहीं सकती, अनफॉरगेटेबल कोई ऐसा इवेंट हो, कोई ऐसा जिंदगी में कभी नाकाबले फरामोश कोई ऐसा वाकया जब आप छोटी थी या स्टूडेंट लाइफ में या शादी के बाद ऐसी कोई वाकया? स्टूडेंट लाइफ का एक सुना देती हूँ. हाँ, जी हाँ. मैं ये आपको बताना भूल गई थी, मैंने एक और भी कोर्स किया. मैं कॉलेज गई थी. हाँ? फैशन एंड डिजाइन का कोर्स. अच्छा, मैंने अच्छा. सिटी एंड गिल किया है शफील का मैंने ना. अच्छा, 3 साल का कोर्स था. ओ, राइट, अच्छा, फैशन एंड डिजाइनिंग में. मैं अकेली एक यानी के
ब्लैक स्टूडेंट, अच्छा ब्राउन स्टूडेंट, अच्छा ब्राउन कह लें, ब्राउन स्टूडेंट, बाकी सब इंग्लिश थे. तो जब वो जाहिर है बड़ी सख्त चेकिंग होती है, वो टाउन हॉल वाले वो सारे जो ग्रुप पूरा चेक करने आए थे. अच्छा. तो जब मेरा ड्रेस जो है ना वो बनाया था मैंने, तो उन्होंने उस पर डाला है ना, तो उन्होंने कहा है कि ओह अब देखें जरा सा भी अगर वो नुक्स निकालते हैं ना तो आपको दोबारा सब करना पड़ता है, पूरी ड्राइंग करनी पड़ती है, सब कुछ जो है ना. अच्छा. थ्रू आउट से अब मेरी जान निकली हुई खड़े हुए, तो मैंने कहा कि ये जो पास कर दें मुझे. हाँ जी, ये इतनी मेहनत की है, पूरा साल लगा था बनाने में. तो उसने कहा ये थोड़ा सा इधर कुछ है, यहाँ इसमें इतना मिलीमीटर फर्क आ गया, इसमें इतना, तो ये आप जो है ना दोबारा बनाएंगी. तो जब उतारा है ना वो ड्रेस को, जब उतारा है तो उस पे जो है ना मेरी वो टीचर है, उसका नाम, मेरा नाम शहनाज है ना, तो उसका नाम शीला. अच्छा. तो जब निकाला तो मेरी एकदम जब नजर पड़ी है ना तो वो शीला लिखा हुआ था. ओह अच्छा. वो मेरी टीचर का था ड्रेस. अच्छा. गलती से वो उनका पिक हो गया था. हाँ. तो वो वहां पर डाला. तो मैंने एकदम से जब नोट किया तो मैंने कहा वेट ए मिनट, मैंने कहा कि ये जो है ना ये गलती हुई है ये तो शीला का है, मेरी टीचर का है, मेरा तो ये पड़ा है. उन्होंने कहा ओके दोबारा चेक करते हैं इसको, आपका डालते. जब मेरा डाला था ना तो वही उसमें थोड़ा थोड़ा जो नहीं होता जो टीचर के उसमें था, उन्होंने कहा ओके हम आपको पास करते हैं. अच्छा. तो मुझे इससे बहुत हुई थी कि मैं जो है ना मैंने सोचा कि ये मेरे साथ क्या हुआ ना? कभी कभी जो है ना इस किस्म की जो मिस्टेक्स हो जाती हैं. हाँ जी. तो ये मेरी पूरे साल की वो थी और पास फेल का था, तो इसके लिए ये मुझे याद रहेगा, ये मुझे याद बिल्कुल हो जाता है जिसमें आपका जो. अच्छा ये बताइए कि जिंदगी में कितना इंटरव्यूज दिया आपने? जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू. सबसे बड़ा इंटरव्यू तो आपका यहाँ पर आके हुआ था एयरपोर्ट पे जब आप आई थी? मैं कोई पता नहीं लकी बाय चांस होता है ना. अच्छा. तो वो मैं क्रिसमस पर आई थी ना. ओहो. अच्छा. तो मेरा उस वक्त तो मेडिकल भी बहुत होते थे ना, मेडिकल टेस्ट भी होता था जी. वो मेरा वहाँ पर वो गौरियां बैठी वो हंस रही थी, वो कहती हैं चल चलो गुजर जाओ तुम ठीक हो, ठीक ही हो. अच्छा. क्या है तुम्हें? हाँ. ठीक हो तुम? तो उन्होंने मेरा चेकअप चेक नहीं किया. आप लकी रही हैं. अच्छा, वहां से निकल गए. इंटरव्यू हुआ नहीं? इंटरव्यू भी नहीं हुआ. नहीं. क्रिसमस की खुशी में उन्होंने जाने दे. क्रिसमस की खुशी में उन्होंने कहा निकल जाएं, चले जाएं. चले जी. तो अच्छा, यानी कि आप क्रिसमस के दिनों में यहाँ पर आई थी आप? अच्छा, बड़े आपने तो यहाँ पे ऐसे ही वो रौनक वाले आप जो ना टाइम पे यहाँ पर आई, जब हर तरफ जो ना वो चिरागा है आपकी आमद पे ही समझ लें कि यहाँ पर चिरागा जो था. हाँ जी, चिरागा भी और बर्फबारी भी. बर्फबारी भी दोनों. उस जमाने में तो बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी. बर्फ थी. अब देखा जाए तो मौसम उस तरह का नहीं है जो उस वक्त हुआ करता था. फर्क पड़ गया जी. तो इंटरव्यूज की जो है ये मैं बात इसलिए मैं करने वाली हूँ कि वैसे आपने इंटरव्यूज जब जिंदगी में जाहिर इंसान देता है बहुत से, आपको पता है कि शॉर्ट लिस्ट भी बंदा होता है और उसमें फिर जहाँ पर आपकी जाहिर है कामयाबी है, जहाँ पर आपका हाँ. मुकद्दर लिखे हैं, वो जॉब तो आपको मिलके रहती है. ठीक है. तो कभी ऐसे कोई हार्ड इंटरव्यू से कभी आपको गुजरना पड़ा ऐसा? बिल्कुल गुजरी हूँ. होम ऑफिस का जॉब था, उसके अच्छा, लिए अच्छा. मैंने इंटरव्यू दिया था. तो उसके लिए मैं 84 एप्लीकेशन कैंप्स थे, तो उसमें से 14 को उन्होंने चूज किया था. अच्छा. जिसमें मेरा नाम भी था. फिर उसमें से रखना तो उन्होंने एक को ही था. अच्छा. ये तो ये भी बड़ी बात है कि देखें आप, लेकिन शॉर्टलिस्ट हुई थी जी. बिल्कुल. आप उसमें हो जाएं. हाँ जी. तो वो बड़ा हार्ड सा इंटरव्यू वो पैनल के सामने जाके. तो ये भी एक एक्सपीरियंस ही है ना जिंदगी का. आप बहुत कुछ सीखते हैं, आप लर्न करते हैं अपनी जिंदगी में. बात इसलिए भी मैं कर रही थी कि देखिए एक एक सिंधी और एक पठान का इंटरव्यू हुआ जी. अब सबसे पहले जो है ना वो सिंधी से बातचीत, अब जरा सुनने वाली बात. उनसे सिंधी साहब आए, उनसे बात हुई, उन्होंने पूछा तालीम, कहते हैं BA. पाकिस्तान कब बना ये सवाल पूछा गया, कहते हैं कोशिश पहले से जारी थी पर 1947 में पाकिस्तान बना. अच्छा. फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? जी. कहते हैं कि बहुत से आए गए हैं, अब जिस वक्त इंटरव्यू लिया गया अब गिलानी साहब हैं. अच्छा. तो अच्छा फिर उसके बाद अब ये एक पठान भाई जो है ना ये सब इंटरव्यू उनका सुन रहे थे, जब उनकी बारी आई तो उनसे पूछा गया कि नाम, तो कहते हैं BA. अच्छा. अच्छा. फिर उनसे पूछा कब पैदा हुए, कहते कोशिश तो पहले से जारी थी पर 1947 में. अच्छा. बाप का नाम, कहते बहुत आए गए मगर अब गिलानी साहब है. अच्छा. वो कहती लगे
نقل میں بھی عقل کی ضرورت ہے. ضرورت ہے. وہ جو کسی سے پوچھا تھا کہ پاکستان کا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں تو بنا بنایا مل گیا تھا, ہمیں نہیں پتا. یہ نہیں پتا بالکل. وہ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ویسے جب بھی ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جانا ہے جابس لینی ہے, لیکن یہ سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے انٹرویو والا, بھی آسان نہیں ہوتا, لیکن بہرحال کوئی نہیں, اور اسی کے بل بوتے پر ظاہر ہے زندگی چلتی ہے, آپ آگے کامیابیاں ہوتی ہیں. اچھا اب یہ بتائیے کہ اب اگلا نغمہ جو ہے ہم آپ ہی کی پسند کا سننا چاہیں گے, اور اس کی بھی پھر آپ کو وجہ بتانی پڑے گی کہ یہ نغمہ آپ نے کیوں پسند کیا. سامعین, رنگ ترنگ پروگرام میں میری آج کی جو مہمان ہیں شیفیلڈ کی شہناز بانو ہیں, اور انہی کی پسند کا ایک اور نغمہ. اگر آپ پروگرام سن رہے ہیں ای میل ضرور بھیجیے گا iffat@asianradiolife.com. مقام آئے کسی کا نام لوں اور لب پہ تمہارا نام آئے. کب سے یہ نغمہ پسند ہے؟ جب سے سنا ہے. جب سے سنا ہے آپ نے؟ میں نے کہا شاید اس سے پہلے کہ جب وہ شخص آپ کی زندگی میں آ گیا اور اس شخص کے آنے سے پہلے جو ہے یہ آپ کو نغمہ پسند تھا. یہ تو یعنی پاکستان میں جب تھے نا, جب ہم اسٹوڈنٹ تھے, اس وقت یہ فلم آئی تھی تو یہ بہت مشہور ہوا تھا, یہ نور جہاں کا یہ نغمہ. تو ہر ریڈیو پر یہ نغمہ جو ہے نا ہر جگہ بج رہا ہوتا تھا. اچھا اچھا. تو اس لیے آپ کو وہ نغمہ جو ہے یہ پسند ہے. ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹ لائف کی جو یادیں ہیں وہ بھی وابستہ یقیناً ہوں گی اس نغمے کے ساتھ جب آپ اکٹھے سنا کرتے تھے. اچھا تو یہ شعر و شاعری کی بات ہوئی, کچھ اور آپ کی کوئی ایسی پسند کی جو آپ کی کوئی ایسی غزل ہو جو خود آپ نے لکھی ہو یا آپ نے پڑھی ہو یا آپ کی بہت ہی کوئی فیورٹ ہو, تو وہ ذرا کچھ؟ جی ہاں, میرے پاس کافی ہیں لیکن ایک میں پڑھ دیتی ہوں آپ کو, ایک سنا دیتی ہوں. ہاں جی, ارشاد. جی, میرا معیار زمانے سے جدا ہے. واہ, میرا معیار زمانے سے جدا. واہ واہ. کہاں کسی میں وہ حسن ادا ہے. او کیا خوب. طاقت پرواز نہیں تو اڑان کیسی. طاقت پرواز نہیں تو اڑان کیسی. واہ واہ. بہتر ہے سجدہ کہ دیکھتا خدا ہے. اوہ, بہتر ہے کہ سجدہ. بہتر ہے سجدہ کہ دیکھتا خدا ہے. واہ. کنارے پہ ہے کشتی تو موج میں ہوں. کنارے پہ ہے کشتی تو موج میں ہوں. ایسے میں نا خدا ہی اپنا خدا ہے.
ایسے میں نہ خدا ہی اپنا خدا ہے. واہ واہ. لگی ہے آنکھ تو لگی رہنے دو دوستو, یعنی آنکھ لگی یہ مطلب ہے کہ ان کے سونا بھی ہوتا ہے, دونوں رنگ میں لے لیں, دونوں میں لے لیں. بالکل. لگی ہے آنکھ تو لگی رہنے دو دوستو کہ بند کباؤں کی حقیقت جدا ہے. بند یعنی کباؤں. انسان جب سو رہا تو اس کو یعنی کیا کیا خواب آ رہے ہیں, کیا کیا, کیا پتا وہ کس اس میں ہے. جی. تو ان کو نہ جگاؤ اگر بند ہیں آنکھیں, ان کو نہ جگاؤ اگر بند ہیں آنکھیں, کس مقام پہ ٹھہرے ان کی اپنی ادا ہے. کس مقام پہ ٹھہرے ان کی اپنی ادا ہے. جی. ٹیکسٹ میسج آپ کا بھیجنے کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے لکھا ہے کہ آپ پروگرام بہت شوق سے سن رہے ہیں آپ کو اور دیکھ بھی رہے ہیں, اور آپ دونوں بہت اچھی لگ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جی نایا جی, آپ کے ٹیکسٹ میسج بھیجنے کا اور پروگرام کو دیکھنے کا, سننے کا اور پسند کرنے کا. اچھا یہ آپ نے جو غزل, اچھا یہ بتائیے کہ دن میں ٹھیک ہے اب آپ نے رات کو تو وقت ملتا ہے, آپ نے پین اور قلم اپنے پاس رکھا ہوتا ہے اور آپ فوراً جو ہے وہ آپ ایک گھنٹہ آپ نے کہا کہ آپ ضرور جو ہے وہ کچھ لکھتی ہیں, تو ویسے آپ کی اگر لکھنے کے علاوہ آپ کی کیا ہابیز ہیں؟ لکھنے کے علاوہ اگر کوئی فارغ وقت ملتا ہے تو کیا کرنا پسند کرتی ہیں؟ بس یہ میں تھوڑی سی سوئنگ بھی کرتی ہوں, ڈیزائننگ کرتی ہوں, ڈیزائننگ کپڑوں کی. ہاں جی ٹھیک. تھوڑا سا وہ بھی ایک میری ہابی ہے. اچھا ہابی ہے. اور واک کرتی ہوں, ہفتے میں دو مرتبہ واک کے لیے جاتی ہوں. اچھا تو وہ میں تقریباً میرے 3 سے 4 میل تک بن جاتے ہیں. اور آپ کا وقت بھی گزر جاتا ہے اس میں. اچھا آپ ڈیزائننگ کرتی ہیں تو کیا فیشن کیا ہے آج کل؟ ڈریس کی ڈیزائننگ کرتی ہوں. ڈریسز کی آج کل کس طرح کے؟ آج کل تو وہ ٹیڑھی میڑھی جدھر بھی لکیریں مار دو تو چل جاتا ہے, چل جاتا ہے, وہ ڈیزائن بن جاتا ہے. اچھا یہ بھی اچھا ہے نا کہ ہاں کو پتہ نہیں چلتا, تجریدی آرٹ آج کل ایبسٹریکٹ جو ہے نا ہو گیا ہے, وہ ہو گیا کہ جو اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا غلطی ہوئی, وہ سمجھے گا سٹائل ہے, سٹائل ہے. اچھا تو غلطیاں آپ بھی ایسی کرتی ہیں جو بعد میں سٹائل بن جائے؟ سٹائل بن جاتا ہے. اچھا ہوتا رہتا ہے. اچھا یہ ہے. اور چلیں یہ ٹھیک ہے. اچھا کھانے پینے میں کیا شوق رکھتی ہیں آپ؟ کھانے میں میرا خیال ہے میں ویجیٹیرین ہوں. اچھا جی. کب سے؟ کافی عرصہ ہو گیا. اس کی وجہ؟ بس یہ دیکھے نا وزن کتنا. اچھا صرف اس وجہ سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانے سے وزن بڑھتا؟ گوشت کھانے سے بھی کچھ, ویسے بھی ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہیں. نہیں وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو ویجیٹیبلز ہیلتھی ہیں. ہاں جی. تو میرا خیال ہے پچھلے 15 سال سے میں ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی. اچھا ماشاء اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اچھی گڈ ہیلتھ کا جو ہے یہ راز یہی ہے کہ آپ تھوڑا اپنا خیال رکھتی ہوں. خیال رکھتی ہیں مطلب خوراک کا اور واکنگ کی, تھوڑی واک کرتی ہیں اور یہ سب چیزیں. دیکھیں ہم کہتے رہتے ہیں ہم لیکن کرتے نہیں ہیں, اگر کریں نا تو اس میں ہے, اچھا ان میں اثر ہے. تو اس لیے میں اپنی سب بہنوں کو, سب سننے والوں کو, سب کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ شامل کریں اس چیز کو اپنی لائف میں. ہم کہتے ہیں کہ ہم واک کریں گے لیکن کرتے نہیں ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ریڈ میٹ اور اس طرح کی چیزیں جو فیٹنگ ہیں وہ کھانی چھوڑ دیں گے لیکن ایسا کرتے نہیں ہیں, تو اگر آپ کر کے دیکھیں نا تو وہ تھوڑا سا اس میں اثر ہے. یقیناً فائدہ تو ہوتا ہے. اچھا تو جب بچے اور گھر والے وہ کیا کھاتے ہیں پھر؟ میرے بچے بھی نہیں, بچے تو خیر سب چیزیں کھاتے ہیں. اچھا. لیکن ان کو میرا خیال ہے میں نے ہیلتھی اس سے بنا کے دیتی ہوں ان کو. جیسے اگر گوشت ریڈ میٹ اب وہ چھوڑتے تو نہیں نا, انہوں نے تو کھانے ہیں جی, تو آپ بوائل کر کے نا تو ان کا پانی نکال دیں پہلے. اچھا اچھا یہ میں کرتی ہوں. اس طرح ان کو کھانا دیتی ہوں. اچھا تو بچے بھی ماشاء اللہ سبھی, وہ بھی ڈاکٹر سے ذرا دوری ہیں ماشاء اللہ, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. سبھی کے کلین وہ ہیں. صحیح ہے کہ انسان آپ ان کو دور رکھیں ان قسم اس قسم کی خوراک سے, تو وہ یقیناً بچے جو ہے نا ان کی صحت اچھی رہے. میرے خیال ہے یہ کامن سینس ہے اور یہ تو ہر وقت ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں. دیکھیں ٹی وی میں بھی بتاتے رہتے ہیں, ریڈیو میں, ہر جگہ بکس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ذرا ہیلتھی کھانا کھائیں. اچھا بہن بھائیوں میں کون کون ہیں؟ ہم 5 بہنیں ہیں. بہنیں ہیں. اچھا تو وہ کیا کرتی ہیں آپ کی بہنیں؟ وہ بھی آپ کی طرح ان کو بھی لکھنے جی ہاں کا شوق؟ ہم سب لکھتے ہیں. اچھا کیونکہ میرے فادر لکھتے تھے. اچھا اچھا میرے نانا لکھتے تھے, ان کا تو ٹیکسٹ بک میں بھی ہے میرے نانا کا, نذیر احمد شیخ خان جی. تو میری بہن بھی چھوٹی والی, اچھا وہ پاکستان میں, وہ تو پراپر یعنی کہ
मैंने तो लेट शुरू किया है, उसने भी लेट ही शुरू किया है, लेकिन वो प्रॉपर पोएटस है, अच्छा, प्रॉपर मुशायरों में जाती है बकायदा, अच्छा अच्छा, तो वो भी है। तो जब सारी मिलके बैठती होंगी, जब आप पाकिस्तान जाती हैं तो मिलके बैठती हैं, तो फिर मेला लगता है, मुशायरा होता होगा आपका, तो एक मुशायरा होता है, गेट टुगेदर, अच्छा, सबको अपना अपना सुनाना पड़ता है जब मैं जाती हूँ, अच्छा अच्छा, एक ये लाजमी होता है, एक लाजमी होता है, तो इसका मतलब वहाँ जाने से पहले आपका एक चीज तैयार होनी होती होगी ना कि ये मैंने जाना है और मैंने आपको सुनना है। जी तो जी, अब ऐसा है कि अब आपकी पसंद का एक और नगमा सुनते हैं और उसके बाद फिर, अब वक्त जो है वो हमारे पास बहुत कम है, तो एक नगमा और उसके बाद जो है ना आपसे अलविदाई जो है ना अल्फाज आपसे जो है ना वो मैं कुछ पूछूंगी लिए जाएंगे। तो लीजिए सामिन, आखिरी नगमा शहनाज बानो की पसंद का सुनिए एशियन रेडियो लाइव .com से। जन मेरे मखना, वैसे बड़ा ही ये भी अच्छा नगमा था और नायत हुसैन भट्टी की आवाज़ में। जी जी, तो ये आपने अपने चंद जी के लिए तो नहीं आपने कहीं सुनना चाहा? उनको भी पसंद है, उनको भी पसंद है, उनकी पसंद के मुताबिक ये उनके नगमा चुना है। तो इसका मतलब यही नगमा जो है ये भाई साहब के लिए जो है ये डेडिकेट किया जाता है, शनाज की पसंद का ये नगमा उनके लिए, आपके मियां साहब के लिए। हाँ जी, कितना अच्छा पैगाम दे रहे हैं ना जी, चंद मेरे मखना जी। अच्छा शहनाज जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। आखिर में चूंकि अब ये मौका है, क्रिसमस है कल जी, और उसके बाद अब नया साल जो है ये शुरू हो जाएगा, तो आपका अपने बच्चों के नाम, अपनी फैमिली, रिश्तेदार जो इस वक्त आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, जो हमारे सामईन सुन रहे हैं, आपका मैसेज। जी हाँ, बस मेरा यही मैसेज है, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, तो ये है सब मेरे बच्चों को और सब लोगों को, यही है कि आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, और ज़िंदगी जो है ना वो एक बार मिलती है इंसान को, तो इसलिए मेक द मोस्ट ऑफ इट, उसको आप भरपूर तरीके से गुजारें, ये मेरा मैसेज है। और सब खुश रहें, नया साल सबको मुबारक हो, क्रिसमस का मौका है, सब तरफ रोशनियां हैं, तो अपनी ज़िंदगी को भी अच्छी यादों से और अच्छी बातों से रोशन करें। जी, जी बहुत अच्छा जी। सामेन, मेरी आज की मेहमान थी शेफील्ड की शहनाज बानो, जो एक राइटर होने के साथ साथ जो है ये, जैसा कि बताया, ये काउंसिल के साथ वाबस्ता रही हैं, सोशल सर्विसेज के साथ, फैशन डिज़ाइनिंग में जो है इन काफ़ी ये मुंसलिक रही हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्हीं के प्यार भरे, मोहब्बत भरे पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आप सबको जो है ना ये हैप्पी क्रिसमस, और इंशाल्लाह जब नए साल से पहले मुलाकात हुई तो आपको नया साल मुबारक कहेंगे, नहीं तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मुड़ के भी क्यों तकनी